नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बन चुकी है। नीतीश कुमार सातवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले चुके हैं, लेकिन इस बार एनडीए की नई सरकार में बड़ा बदलाव हुआ है। 2005 से नीतीश कुमार के साथ बिहार की सत्ता में हाथ बटाने वाले सुशील मोदी इस बार नीतीश कुमार के साथ नजर नहीं आएंगे। 2005 में नीतीश कुमार जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तब सुशील कुमार मोदी भी उनके साथ उप मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन इस बार नीतीश सरकार में कप्तान तो नहीं बदला, लेकिन उप कप्तान बदल गया है। जी हाँ, सही सुना आपने, इस बार भी एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद सुशील मोदी ने ट्विटर पर अपने दिल का दर्द भी बयान किया है। उन्होंने लिखा है कि उनसे कार्यकर्ता का पद कोई नहीं छीन सकता। तो आइए जानते हैं सुशील मोदी के राजनीतिक जीवन के बारे में। सुशील मोदी की राजनीतिक जीवन की शुरुआत साल 1971 में हुई थी। छात्र रहते हुए पटना विश्वविद्यालय संघ की 5 सदस्य कैबिनेट के सदस्य भी चुने गए थे। इसके बाद 1973 में वो महामंत्री भी चुने गए थे। उस समय पटना विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव चुने गए थे, संयुक्त सचिव रविशंकर प्रसाद चुने गए थे। जेपी आंदोलन से प्रभावित होकर सुशील मोदी ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। आपातकाल के दौरान वे 19 महीने जेल में रहे। 1977 से 1986 तक सुशील मोदी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहे। संघ प्रचारक और भाजपा के सिद्धांतकार के एन गोविंदाचार्य को सुशील मोदी का मेंटर माना जाता है। गोविंदाचार्य ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने सुशील मोदी को 1967 में देखा था। गोविंदाचार्य के अनुसार उस वक्त भी सुशील मोदी के व्यक्तित्व को नौजवानों की भीड़ में चिन्हित किया जा सकता था। ट्रेन के एक लंबे सफर में सुशील मोदी की मुलाकात जेसी जॉर्ज से हुई थी। 1987 में दोनों ने शादी कर ली थी। उनकी शादी में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, नानाजी देशमुख और कर्पूरी ठाकुर भी शरीक हुए थे। गोविंदाचार्य बताते हैं कि सुशील मोदी की शादी बहुत ही साधारण ढंग से पटना के राजेंद्र नगर स्थित शाखा मैदान में हुई थी। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था। बिहार में भाजपा के नेतृत्व अगड़ी जाति के पास था और उसका आधार वोट अगड़ी जाति, शहरी मतदाता और वैश्य समाज के पास था। लेकिन 80 के दशक के अंतिम वर्षों में संघ प्रचारक गोविंदाचार्य ने सुशील मोदी और नंदकिशोर यादव जैसे नेताओं को प्रमोट किया, जिसके बाद अगरों के साथ पिछड़ी जातियां भी नेतृत्व में आई। इस वजह से भाजपा का बिहार में व्यापक आधार बना। 1990 में सुशील मोदी ने पटना केंद्रीय विधानसभा से चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर विधानसभा पहुंचे। 1995 और फिर 2000 में भी वो इस विधानसभा सीट से चुनाव जीते। 2004 में वो भागलपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीते। साल 2005 में वो सांसद पद से इस्तीफा देकर विधान परिषद के लिए निर्वाचित होकर बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। बिहार की राजनीति को सुशील मोदी त्रिभुज कहते हैं। इसमें भाजपा, जदयू और राजद तीन भुजाएं हैं। सुशील मोदी जदयू के नेता नीतीश कुमार से नजदीकी रखते हुए राजद पर ही निशाना साधते रहे हैं। सुशील मोदी 1996 में चारा घोटाले मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वालों में से एक थे। इस कारण उन्हें बिहार के राजनीति में और मजबूती मिली। वर्ष 2015 में जदयू के साथ राजद के सत्ता में आने के बाद सुशील मोदी ने राजद पर फिर से हमला बोलना शुरू कर दिया। मोदी ने 4 अप्रैल 2017 से लालू परिवार की बेनामी संपत्ति को लेकर 44 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नतीजा यह हुआ कि 26 जुलाई 2017 को सरकार गिर गई और 27 जुलाई को एनडीए गठबंधन की नई सरकार बनी, जिसमें सुशील कुमार मोदी एक बार फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस बार सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं। सरकार तो एनडीए गठबंधन की ही बनी है और एक बार फिर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन सुशील मोदी को उप मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला है। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।